नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस पर नया आरोप लगाते हुए कहा कि कीव के ओब्लास्ट में 900 लोगों की एक और सामूहिक कब्र बनाई गई है। साथ ही यह भी बोला गया कि लगभग 5 लाख यूक्रेनी लोगों को रूस अवैध रूप से साथ ले गया है। देश के सभी मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, सबको मिले न्याय जिसके लिए रोड मैप तैयार हो। कर्नाटक के ओल्ड हुबली थाना में पथराव की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार AIMIM नेता मोहम्मद आरिफ नागराल ने तारपीन तेल पीकर पुलिस हिरासत में आत्महत्या का प्रयास किया, जहां इस घटना के बाद पुलिस ने आनन फानन में उन्हें हुबली के एक अस्पताल में भर्ती कराया। जनरल मनोज पांडे ने थल सेना अध्यक्ष का पदभार संभाला, जहां उन्होंने मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली। मौसम विभाग के अनुसार इस साल अप्रैल में देश के मध्यम व उत्तर पश्चिमी हिस्से में दर्ज किया गया तापमान पिछले 122 सालों में सबसे अधिक रहा। हालांकि मौसम विभाग ने आज बारिश होने की संभावना जताई है। कर्नाटक में एसिड अटैक मामले में स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने को कहा है और बोले सरकार पीड़िता को हर मुमकिन मदद देगी। भारत सरकार ने सतर्कता डोज के लिए निर्धारित समय के अंतराल में कोई बदलाव नहीं किया है। बता दें कि सतर्कता डोज के लिए 9 महीने का अंतराल निश्चित किया गया है। इस सप्ताह की शुरुआत में ही संभावना जताई जा रही थी कि इस अंतराल को घटाकर 6 महीने कर दिया जाएगा। स्कूली पाठ्यक्रमों को तैयार करने की मुहिम में केंद्र सरकार के कई मंत्रियों व विभागों ने भी अपने सुझाव दिए हैं। साथ ही यह भी सिफारिश की है कि नए स्कूली पाठ्यक्रम को जिस तरह से भविष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है, उनमें उनकी ओर से सुझाए गए विषयों को भी पढ़ाया जाना जरूरी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप नए स्कूल पाठ्यक्रम को लेकर शिक्षा मंत्रालय की देखरेख में पाठ्यक्रम तैयार की जा रही है, जहां आने वाले बसंत पंचमी तक प्ले स्कूल के पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कोयले की आपूर्ति पर केंद्र को घेरा और कहा, अपनी जिम्मेदारी पूरी करे भारत सरकार। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर न्यू इकदिल स्टेशन के पहले कानपुर से नई दिल्ली जा रही कोयला लदी मालगाड़ी पलट गई, जिससे मालगाड़ी के 12 वैगन पलटने से रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया और इस रूट पर आवागमन ठप हो गया। बिहार जनता दल अपने 2 दर्जन पदाधिकारियों के खिलाफ दल विरोधी क्रियाकलाप को लेकर कार्रवाई की तैयारी में है, जिन्हें पदमुक्त किया जाना तय माना जा रहा है। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर मुस्लिमों के प्रति बेरुखी को लेकर ताजा हमला बोला और कहा कि उत्तर प्रदेश में 96% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के फेवर में कभी भी आवाज नहीं उठाई। पटियाला में खालिस्तान समर्थकों और हिंदू संगठनों के सदस्यों के बीच हुए टकराव की घटना के विरोध में हिंदू संगठनों की ओर से आज बुलाए गए पंजाब बंद का ऐलान कोई खास नहीं दिखा। वहीं बंद के मद्देनजर राज्य भर में पुलिस को अलर्ट किया गया था। हरियाणा में गहराया बिजली संकट, जहां पानीपत थर्मल प्लांट में बचा मात्र 3 दिन का कोयला। उत्तराखंड के नैनीताल में कलसिया पुल ध्वस्त होने के कारण और पर्यटन सीजन के चलते आज और कल हल्द्वानी में रूट डायवर्ट रहेगा और नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के मंत्री हजीफुल हसन पर गढ़वा में प्राथमिकी दर्ज किया गया है, उन पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में हिस्सा लिया और ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री के दिए अमूल्य मंत्रों से हमको नई दिशा मिली। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने उच्च शिक्षा नियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल अतुल कौशिक को हिमाचल प्रदेश के शिक्षा जगत से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए बहुत बधाई दी और कहा कि अतुल कौशिक ने सराहनीय काम किया है। हरियाणा में गहराया बिजली संकट, जहां पानीपत थर्मल प्लांट में बचा 3 दिन का मात्र कोयला। जम्मू में बिजली की मांग पूरी कर पाने में असमर्थ बिजली निगम घोषित व अघोषित कटौती करने को मजबूर हो गया है,
जहां दिन में शहर को दो भागों में बांटकर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 6-6 घंटे की कटौती का शेड्यूल जारी किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हावड़ा के जगाछा के तृणमूल कांग्रेस नेता तपन दत्ता की हत्या के मामले में दूसरी चार्जशीट में एक से अधिक आरोपितों के नाम गायब होने पर हैरानी जताई। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि अब मामले की जांच का कोई मतलब नहीं है, भले ही सीबीआई इसकी जांच कर ले। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी के खिलाफ झूठा एफआईआर दर्ज करने को लेकर राज्य पुलिस पर असम कोर्ट में चल रहे मामले पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा पर हमला बोला और कहा कि मुख्यमंत्री शर्मा इस मामले में सीबीआई से मदद ले और पता करे कि मेवानी के खिलाफ झूठा एफआईआर दर्ज कराने के पीछे किसका हाथ है। अनानास के सेवन से वजन कम कर सकते हैं और इसके सेवन से शरीर में टॉक्सिन कम जमा होते हैं और मेटाबॉलिज्म भी मजबूत होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने टीचिंग व नॉन टीचिंग के पद पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cup.edu.in पर 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। IPL 2022 में मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा आज अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं, जहां उनके फैंस सहित तमाम चाहने वाले जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। फिल्म रनवे 34 पर भारी पड़ा टाइगर श्रॉफ की हीरोपंथी 2, पहले ही दिन 8 करोड़ की कमाई। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।